अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा इस्लामाबाद में दूसरा दिन शुरू होने वाला है। रात हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, फिर हमने आके यहाँ पे डिनर किया और यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम एक जगह पे स्टे किया हुआ, ये इंतहाई प्रोटोकॉल वाली जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हम जिस मीटिंग के लिए आए थे वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ है। हम उसके लिए अब निकल रहे हैं, थोड़ी देर में आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तो हम ज़रूरी काम के लिए इस्लामाबाद आए हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब हमारा टूर पर्पस प्रॉपरली शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद हम अपने दोस्त के घर चले गए आलमगीर साहब के पास रावलपिंडी में। उनको डबल डबल मुबारकें देनी थी, उसके लिए हम पहुंच गए उनके घर पे। इनसे भी हज की हमने पूरी कारगुजारी सुनी और बहुत ही रूह परवर इनकी गुफ्तगू, बहुत मज़ा आया हमें। और इनको मिलने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ सीधा मरी हिल स्टेशन की तरफ। और आज का मौसम और ये रास्ता बहुत ही मज़ा आया। यहाँ से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से हम मर्ज हुए श्रीनगर हाईवे पे, जो हमें सीधा मरी की तरफ लेके जा रही थी। और यहाँ पे मोनूमेंट का बहुत ही प्यारा व्यू मिला हमें। बाराकहू में रुकने के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान लिया और हमने गाड़ी का टैंक फुल कराया। बाराकहू में कंस्ट्रक्शन चल रही है ब्रिज की और बाईपास की, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया यहाँ से गुजरने में। ये होपफुली विद इन 1 मंथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा बाईपास प्रॉपर। मरी एक्सप्रेसवे का सफ़र शुरू हुआ बच्चों के साथ मस्तियां करते हुए, बहुत ही प्यारी शाम, बहुत मज़े से हमारा सफ़र गुजरा, पता भी नहीं चला। मीरब तो रास्ते में सो रही थी मगर अहमद बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। मरी टोल प्लाजा, यहाँ से हमारी एंट्री हुई।
मरी के करीब पहुंच के बादलों का इतना प्यारा नज़ारा था कि ये जैसे ज़मीन पर आ गिरे हों। इंतहाई खूबसूरत शाम थी ये। रास्ते में एक आबशार नज़र आई और हमने कुछ देर रुक के उसको एंजॉय किया। उसके बाद अहमद गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल के बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। मेरी तो एडवाइस सबके लिए, फैमिलीज के लिए खास तौर पे ये है कि दूर कहीं हिल स्टेशन जाने की बजाय मरी में कहीं एक साइड पे पॉइंट चूज करके वहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है। और इस तरह फाइनली मरी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। ये हमारा अपार्टमेंट बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, इसके व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, हम आपको दिखाते हैं। रूम्स के अंदर बैठ के या बालकनी में बैठ के ऐसे नज़ारे बहुत ही दिल को सुकून देते हैं। कुछ देर फ्रेश होने के बाद फिर हम निकले मैकडॉनल्ड्स की तरफ। गीगा गली चौक से पहले मैकडॉनल्ड्स में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं, बहुत ही प्यारी जगह है ये। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया इस जगह को। खाना खाने के बाद निकले तो हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश ने घेर लिया और उसके साथ हीलिंग भी थी, वो भी बहुत ही दिलकश मनाजिर थे। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने बारिश को भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत शुक्रिया जी।